हितवादिनी दीदी लहो प्रणाम लहो प्रणाम प्रणाम लहो प्रणाम। आनंद हितवादिनी दीदी आपको हम सब नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। आनंद हितवादिनी दीदी हम आपको नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। आपका ये त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपका त्याग और बलिदान मानवता को आगे बढ़ा के रहेंगे, बढ़ा के रहेंगे, बढ़ा के रहेंगे। और भ्रष्ट अधिकारियों को उसका अपना जो औकात दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे। अन्याय है, सेवा करना अन्याय है, मानवता का सेवा करना अन्याय है। अगर ये अन्याय है तो न्याय क्या है? ये न्याय है कि हमारे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी ने हमारे आश्रम को तोड़ा। अरे ये तो एक नमूना है। इस झारखंड में न जाने कितने माँ बहन हर दिन रो रहे हैं, उनके कोख उजर रहे हैं यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण। इस झारखंड में क्या नहीं है, हर तरह के संपदा रहने के बावजूद भी झारखंड आज रो रही है। और इसका कारण और कारण सिर्फ एकमात्र कारण है यहाँ का एक भ्रष्टाचारी अधिकार। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों के माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ के चीफ जस्टिस और संपूर्ण मानवतावादी संगठन को यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आज का ये आंदोलन को रोकना चाहते हो, ये जनसैलाब को अगर रोकना चाहते हो, पड़ोसी देश जैसा ऐसा हालत नहीं हो, तो जल्द से जल्द यहाँ के अधिकारी हमारे मुआवजा भरपाई करें। हमारे दीदी का जान का मूल्य हम कैसे मांग सकते हैं? वो तो अमूल्य रत्न है, मानवता का सिरमौर है। लेकिन इतना तो कह सकते ना है अत्याचारियों, तुमने जो अन्याय किया उस अन्याय अत्याचार को सरआम स्वीकृति दो, स्वीकारो कि तुमने भूल किया है, माफी मांगो जनता के सामने। और जो यहां से चली गई आनंद हितवादिनी दीदी, उनसे क्षमा मांगो। वो तो उदार न्याय और धर्म के प्रतीक है, शायद तुम्हें क्षमा कर दे। और तुम अपने भूल को स्वीकार करो कि आज से हम किसी तरह का घुसखोरी, अन्याय, अत्याचार को हमारे ये जो मंडल है, प्रमंडल में हम नहीं पनपने देंगे। पुलिस अधिकारियों से हम वही बात कहेंगे कि भाई है पुलिस अधिकारी, तुम हमारे रक्षक हो, हम सब मानते हैं तुम रक्षक हो, लेकिन तुम भक्षक बन गए हो, तुम हमारे रात के नींद हराम कर चुके हो, तुम में और चोर डाकू समाज के अन्याय अत्याचारी के में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, अगर आग लगी तो ये आग बहुत दूर तक जाएगी। संभल जाओ झारखंड के पुलिस अधिकारी, संभल जाओ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। अगर कान में तेल देकर नहीं सोए हो तो उठो और आज यहाँ के माफी मांगो, नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा। क्योंकि हम अवधूत हैं, अवधूत हैं, हम जानते हैं कैसे त्यागा जाता है। एक दीदी ने आत्माहुति दिया ना, यहाँ पर हजारों आत्माहुति तेरा भी जानते हैं। और उस अन्याय अत्याचारी का जरूरत पड़े तो उसका पतन भी करना जानते हैं, उसका मटा मेट करने का भी क्षमता हमारे में है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी न्याय धर्म का आवाज बने। मीडिया वाले भाई, आप लोग मीडिया को ऐसे प्रस्तुत करें कि दुनिया आपको सलाम करे, क्योंकि न्याय के लिए अगर आपकी कलम, आपका यह टीवी मीडिया अगर सामने नहीं आया तो फिर मीडिया भी शर्मशार दुनिया कलंकित हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे यही अनुरोध है, आइए हजारों के तादाद में आइए, लाखों के तादाद में आइए और आके इस भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध में हम संग्राम करें। इसलिए कहते हैं